सर्दियों में हलवाई जैसा गाजर का हलवा मिल जाए तो बात बन जाए, लेकिन गाजर का हलवा बनाने की बात आती है तो बड़ा झंझट का काम लगता है, उसको घिसना तो उससे भी ज़्यादा झंझट का काम लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने के कारण हम गाजर का हलवा बनाने का माइंड से हटा देते हैं। तो आपको शेयर करने वाली हूँ बिना झंझट के, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क और बिना घंटों मेहनत किए हुए झटपट से बनाएंगे गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाइयों जैसा। स्वाद ऐसा होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ट्रिक से इतना अच्छा गाजर का हलवा भी बन सकता है, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे बिना घी से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा उसे दबाना ना भूलें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, ये मैंने गाजर का लिया हुआ है 1 kg, जिसको मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसका छिलका निकाल दिया हुआ है। मैंने ऊपर का पार्ट कट कर दिया, बचा है नीचे का पार्ट कट करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मोटी गाजर नहीं ली हुई, पतली पतली गाजर ली हुई है। हम इसका नीचे का पार्ट कट करेंगे क्योंकि नीचे का पार्ट मोटा होता है, उसको हमको फेंकना ही होता है। तो हमने इसको अच्छे से कट करेंगे, उसके बाद हम और भी गाजर के छोटे छोटे पीस करेंगे। पहले हम ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट कट करके फेंक देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की गाजर ली हुई है, लाल कलर की, सुर्ख लाल कलर की। गाजर का अपने ही टेस्ट होता है, उसमें खुद इतना मिठास होता है कि आपको एक्स्ट्रा चीनी वगैरह की ज़रूरत ही पड़ती नहीं है। कम चीनी की क्वांटिटी से आप अच्छा गाजर का हलवा रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं रफली चॉप कर ली हूँ गाजर को इस प्रकार से, जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल आप सेम इसी तरह का बड़े छोटे लंबे साइज को जैसे भी साइज का आप चाहें कट कर लीजिए। ये देखिए हमारी लाल लाल गाजर कट के रेडी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। गैस फ्लेम को ऑन करेंगे, कुकर रखेंगे। फ्रेंड्स जी, हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा कुकर में। मैंने बोला ना घंटों का काम मिनटों में करेंगे, तो हमने गैस फ्लेम को ऑन कर दिया। 1 tablespoon हम देसी घी डालेंगे। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा देसी घी का कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही, लाजवाब टेस्ट देता है। तो हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने कट करके रखी हुई थी। सारी गाजर को हम धीरे धीरे इसमें सारे डाल देंगे। आप गोल शेप में काटिए, लंबी शेप में काटिए, इसको तो पकाना ही है। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक इसको हम देसी घी में जो डाले थे इसको अच्छे से भूनेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होकर आता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको भूनना स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे ही गाजर का टेस्ट उभर कर आएगा मार्केट जैसा बिल्कुल। तो 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे देसी घी में। उसके बाद हमने 3 से 4 इलायची ली है, दरदरा मैंने कूट लिया हुआ, छिलका सहित इसलिए डाल दिया क्योंकि छिलके में भी अपना एक फ्लेवर होता है। तो हमने इसको डाला और अच्छे से भूना। उसके बाद हम डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं 2/3 यानी 160 ml के लगभग हमने मिल्क डाला इसमें। मिल्क डालने के सीटी हमारी बनेगी, इस वजह से हम मिल्क डालेंगे और टेस्ट भी हमारा उभर कर आएगा। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम सारे काम फटाफट से करेंगे। अब आप गाजर का हलवा हफ्ते में 2-3 बार ना बनाएं तो ये ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप ज़रूर बनाएंगे तो सब लोग मांग मांग कर खाएँगे। तो हम 2 whistle इसको लगाएँगे, उसके आगे का स्टेप करते ये। फ्रेंड्स, मैंने ये 1/2 kg मिल्क लिया हुआ है, अब इसको हम भगोने में हमने रख दिया। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे पकता रहेगा। फ्रेंड, जब तक हमारी 2 सीटियां नहीं आ जाती, मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। सीटी आने के लिए आप हाई फ्लेम में मत करिएगा, क्योंकि हमको 70-80% गाजर को पकाना है, पूरा 100% नहीं गलाना, अदरवाइज उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है, जब तक इसका दूध का भी देख लेते हैं, अदरवाइज ये जल ना जाए, इसको बीच बीच हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमें फटाफट से काम करने हैं, इस वजह से हमने दूसरी गैस में दूध को उबलने के लिए रख दिया है। 1 सीटी और आएगी, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। ये दूसरी सीटी भी आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब गैस फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया, दूध को भी हम चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ ये जल भी जाता है, दूसरे कामों में लग जाएंगे तो ये नीचे जलने ना पाए और साइड में जो मलाइयाँ पड़ जाती है उसको साइड में करके बीच में करेंगे। ये देखिए दूध ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। हमको जब तक सीटी निकल नहीं जाती तब तक ही दूध पकाना है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपको बोला आपको फटाफट से गाजर का हलवा बनाना मैं सिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी सीटी निकल चुकी है। फ्रेंड्स, आप इसका प्रेशर अपने से मत निकालिएगा, अदरवाइज़ गाजर बहुत ज़्यादा कच्ची रह जाएगी तो आपको फिर खड़ा खड़ा सा दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि कैसा गाजर का हलवा है। तो आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ये देखिए दबाने से थोड़ा प्रेस करने से ही टूट रहा है, अपने से नहीं टूट रहा है। फोक से भी आपको मैं दबा के दिखा दे रही हूँ। इस स्टेज तक ही आपको गाजर को पकाना है, तभी आपको टेक्सचर और टेस्ट वैसा मिलेगा जैसे हलवाइयों का शादियों में आप खाते हैं। शादी का सीजन चल ही रहा है,
तो इस वजह से गाजर का हलवा तो बनाना बनता ही है फ्रेंड। विंटर का सीज़न, शादियों के सीज़न, गाजर का हलवा तो मज़े से लोग खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ही एकदम झटपट से वाली रेसिपी आपके सामने शेयर करूँ। फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से इसको चलाएंगे। अब ये है आ गया पोटैटो मैसर, इससे हम मैश करेंगे। इससे मैश करने से आपका जो टेक्सचर आएगा गाजर के हलवे का वो बिल्कुल हूबहू कद्दूकस किया हुआ गाजर के हलवे जैसा आएगा। तो इसी प्रकार हम चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको अच्छे से दबा लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड, हल्का फुल्का दबाने से अच्छे से दब जाएगा। जो थोड़े मोड़े खड़े पीस है इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के दबा लीजिएगा। ये 2/3 कप यानी इस चम्मच से लगभग मैंने 8 चम्मच चीनी का यूज़ किया हुआ फ्रेंड। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी लीजिएगा, मगर ये मेज़रमेंट मैं आपको जो बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है। मुंह में मिठास भी बनी रहेगी और उतना मीठा भी नहीं रहेगा कि आपको मन उब जाए। एक बार आप खाएंगे तो दोबारा 2 कटोरी 3 कटोरी मांग मांग के ज़रूर खाएंगे। उस हिसाब से मैंने ये टेस्ट बताया हुआ जो नॉर्मली हलवाइयों जैसा टेस्ट होता है। तो हम इसको चीनी डालने के बाद, चीनी का पानी अपना छोड़ती है तो उसमें मेल्ट होती है, तो उसमें थोड़ा पकने में समय लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया, 2/3 कप यानी 160 ml के लगभग हमारा ये दूध तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। हाफ के जी मैंने मिल्क लिया हुआ था, तो ये इतना पकते पकते गाढ़ा हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको मिल्क नहीं पकाना तो आप कुकर में डाल के अच्छे से पकाइएगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, क्योंकि गाजर हमारी पक ही चुकी है। मिल्क हम साइड में रख दिए, पक रहा था। अब हम बनाएंगे इसका लिए तड़का। जी बिल्कुल, आप तो सोच के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा फ्रेंड्स, हम इसको तड़का मारेंगे और गाजर हलवा को एकदम टेस्टी बनाएंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया हुआ है। मैंने फ्रेंड्स इसमें देसी घी का भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। एक बार पहले गाजर को सेलो फ्राई करते समय मैंने लिया, दूसरी बार ये हम इसको ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते समय लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और गाजर का हलवा में तो जान ही डाल देता है देसी घी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा। मैंने काजू बादाम किशमिश लिया हुआ है इसको तड़का मारने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने इसको चलाया, गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये कुकर में जो हमारा पक रहा था फ्रेंड्स इसमें हमने तड़का मारा। तड़का मारने के बाद अच्छे से चारों तरफ घुमाएंगे। ये थोड़ी सी मेरी किस्मत ड्राई हो गई है, मगर आप और भी पहले बंद कर दीजिएगा। तो आप चाहे बिना फ्राई करे भी किशमिश डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट अच्छा आता है इसलिए आप इसको घी में अच्छे से डालिएगा। अगर आपको घी की क्वांटिटी और ज़्यादा डालनी है तो आप इस स्टेज पे डाल दीजिएगा। वैसे उतनी घी काफ़ी है, इसमें ज़्यादा घी ज़्यादा सामान डालने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फटाफट से आपका कम सामानों में गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक हमारा दूध एग्जॉर्ब नहीं हो जाता गाजर में, यानी कि दूध हमारा ऑलमोस्ट पक जाना चाहिए, चारों तरफ से सूख जाना चाहिए। तब तक हम इस स्टेज तक पकाते रहेंगे। मैं स्पून की, बड़े वाले स्पून की सहायता से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स। जो हमने दूध डाला था वो उसमें मलाइयाँ भी पड़ी थी, मलाई अपना मावे का रूप लेने लगी धीरे धीरे। जैसे जैसे गाढ़ा होगा मलाई अपने दूध जो है वो मावे का रूप लेगी और हमारा बिल्कुल हलवाइयों जैसा टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। तो हम उसको इस स्टेज तक पकाएंगे जब हमारा दूध पूरा जल जाए ताकि हमारा टेस्ट अच्छा है। ये मैंने 5 से 6 इलायची ली जिसको मैंने दरदरा कूट के डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम इलायची को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची का फ्लेवर गाजर के हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा दूध एकदम सूख चुका है, कुकर अपना ये गाजर का हलवा छोड़ने लगी, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। अगर आपको इस स्टेज में और घी की क्वांटिटी आपको डालनी है तो आप इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं 1-2 चम्मच और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए पूरा दूध सूख चुका है, एग्जॉर्ब हो चुका है। अब इस स्टेज में हम गैस फ्लेम को ऑफ करेंगे चलाते हुए। ये देखिए मैंने इसको नीचे उतार लिया है। अब हम ये कुकर में तो जल्दी ठंडा नहीं होगा फ्रेंड्स, घर वाले तो वैसे स्मेल सुन के किचन में आने लगते हैं। बेटी मेरी बोली मम्मा पक गया जल्दी दीजिए, तो मैंने कहा चलिए फटाफट से अगर बच्चों को देना है प्लेट में निकाल लेते हैं और जल्दी से ठंडा करके देंगे उनको। तो ये मैंने फ़ैन भी चला दिया था, प्लेट में मैंने निकाल लिया ताकि गाजर का हलवा फटाफट से रेडी हो जाए। अब हम चलते हैं इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि प्लेट में मैंने निकालने के बाद ये फटाफट से ठंडा हो गया था। अब हम इसको थोड़ा सा मार्केट जैसा, हलवाइयों जैसा यमी लुक देने के लिए इसको कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इनको सजाएँगे, सुंदर सुंदर इनको गाजर का हलवा बनाएंगे। तो ये मैंने कुछ पिस्ते लिए हुए हैं 8 से 10, जिसको मैंने
तीन से चार टुकड़े कर लिए उसको डालेंगे। दो टुकड़ों में मैंने काजू, दो टुकड़ों में मैंने बादाम किया जिसको मैंने डेकोरेट कर दिया। लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई यानी मार्केट जैसा गाजर का हलवा, इतने कम सामानों में कम मीन समय बर्बाद किए हुए भी देखिए आपका गाजर का हलवा फटाफट से बन गया है ना, घंटों का काम मिनटों में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो फिर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यूस पहुंचती रहे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके गाजर का हलवा कैसा बना, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। ये गाजर का हलवा परफेक्ट बनेगा, फर्स्ट टाइम पे ही परफेक्ट बनेगा। आप एक बार नहीं दो तीन बार हफ्ते में बनाकर खाएंगे, बड़े बच्चे सब मांग मांग कर खाएंगे कि मम्मा आपने कितना फटाफट से गाजर का हलवा बना दिया, कितना झंझट का काम लगता था मिनटों में काम होने लगा है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा एक बार अपना एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लगेगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।